संसद की सुरक्षा में चूक हुई इस मामले में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बुधवार रात को पुलिस ने दो अन्य लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये आरोपियों की मदद कर रहे थे। इस घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग पोर्ट कॉलोनी में रुके हुए थे। चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं। विक्की शर्मा मूल रूप से हिसार का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है इस पूरे मामले में, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जैसे पता चला है कि जो आज एक पार्लियामेंट के साथ एक जो वाकया हुआ है और जो दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, दिल्ली की पुलिस यहाँ से आके जो विक्की उर्फ विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे। सर, स्थानीय लेवल पर आपने आसपास के लोगों से या जो भी पूछताछ की होगी उसमें क्या कुछ पता लगा है? क्या ये पता लगा है कि जो आरोपी हैं उनका इसके घर पर आना जाना हुआ था? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि एपिसेंटर यही है उस घटनाक्रम का, पूरा यहां से जो ताना बाना है वो? देखिए, क्योंकि पूरा मैटर ये इन्वेस्टिगेशन का है, अभी दिल्ली पुलिस इसमें संगीनता से जांच कर रही है। हमारे बिहार पे हम अभी इतना ही बता सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर टच में हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अगर दिल्ली पुलिस अगर मांगती है तो हम उनके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे फर्दर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनका मैटर है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो क्या क्या चीजों को अंदर जांच का वो देख रहे हैं उसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है। गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं अभी फॉर द टाइमिंग कि जो भी जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस हमसे संपर्क करके कुछ जांच जानकारी हासिल करना चाहेंगी हम साझा करेंगे। आखिरी सवाल सर, क्या मैनुअल सर्विलांस की मदद आप लोग लेंगे? क्योंकि जाहिर है दिल्ली पुलिस अगर इस बात को कहती है या साथ में सीसीटीवी की टाइमलाइन वगैरह चेक करना, तो ये तमाम चीजें क्या जो भी एविडेंसेस के तौर पर दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना जो हिस्सा रखेंगी, जो भी एविडेंसेस वो चाहेंगी गुड़गांव पुलिस के तौर पर मदद दी जाएगी। और क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग संलिप्त हैं वो गुड़गांव में रह के गए हैं तो उसके संबंध में भी जानकारियां हासिल करी गई हैं और जो जानकारियां हैं वो संबंधित जो जांच एजेंसी है दिल्ली पुलिस उन सभी के साथ साझा करी जाएगी। वहीं आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने बताया कि विक्की शर्मा जो है वो काफी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ जानकारी वो दे रहे हैं, सुनते हैं। मेरे पास तो करीब 5:30-6 बजे पुलिस वाले आए थे, सेक्टर 9 से जो हमारा थाना लगता है वहां से पुलिस वाले क्राइम ब्रांच वाले सब आए थे और ऐसे ऐसे सारी डिटेल उन्होंने मेरे को बताई कि आपकी कॉलोनी में ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं उनको पुलिस वाले लेके यहाँ आ गया था। सर, बता दीजिए क्या बताया, थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीजें। बस यही बता, ये तो हमें पता ही था, हम देख ही रहे हैं दिन से कि संसद में ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसमें जो आरोपी हैं उनका यहाँ रुकने का बताया गया कि रात को यहाँ रुके हुए थे वो। जी, जो घर है किसका है? ये उसी का है जो आरोपी है, विक्की जंगली जिसको बोलते हैं। जंगली? हाँ, विक्की शर्मा। अच्छा, ये क्या करता है कुछ जानकारी? ये कुछ नहीं करता, कभी सिक्योरिटी गार्ड में कर लिया, कभी ड्राइवरी कर रही, ऐसे ही करता रहता, जब दारू का जुगाड़ हो जाए बस ऐसे काम करता है। इसके घर में कौन कौन रहता है? इसकी वाइफ है और एक बेटी है 14 साल की। ये कब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं? ये पुराने रहने जब से कॉलोनी बची 92-93 से। ये अपना ही घर है उसका? हाँ, अपना घर इसका। तो कभी कोई एक्टिविटी देखी इस तरह की कि कभी कोई संदिग्ध रही हो? नहीं, कोई संदिग्ध एक्टिविटी नहीं देखी, बस ये झगड़ा करता था, अपनी घरवाली को मारता था और पड़ोसियों को गाली देता था, इस टाइप का प्रवृत्ति का इंसान था ये। जानकारी ये है कि जो नीलम जिस महिला का नाम चल रहा है ये उससे कनेक्टेड है, तो कभी कोई उन लोगों में से आपने जिनको देखा? नहीं नहीं, आज हमने तो आज तक ऐसा कोई देखा नहीं है क्योंकि इस परिवार से कोई ताल्लुक रखता नहीं ज्यादा। जी, तो पुलिस के कितने मतलब ऑफिशियल्स आए, कुछ जो भी आपने देखा? पुलिस तो सब सारा गुड़गांव पुलिस यहीं पे, ACP साहब हैं, DSP साहब हैं और दिल्ली पुलिस वाले भी आए थे, क्राइम ब्रांच से CBI सब यहीं पे IP वाले। तो इस विक्की और उसके परिवार के किसी व्यक्ति को भी पुलिस लेकर गई है? हाँ, बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस लेके चली जा चुकी है विक्की को और उसकी वाइफ को, बेटी घर पे ही है। बेटी की उम्र 14-15 साल।